हिंदी छठवी कक्षा दूसरा पाठ हमारा गांव। हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। नल के पास हम नहाते, एक और इमली है खाते। नल के पास हम नहाते, एक और इमली है खाते। किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। नल के पास हम नहाते, एक और इमली है खाते। नल के पास हम नहाते, एक और इमली है खाते। किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। लगता हमको प्यारा प्यारा। पाठ का नाम हमारा गांव। हमारा गांव का अर्थ है मना ऊरु, माय विलेज। चित्र में देखिए गांव का पूरा चित्र, पाठ्यपुस्तक में चित्र के रूप में दिया गया है। आप चित्र को देखते हुए इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। हरा भरा है गांव हमारा। हरा भरा का अर्थ है पच्चदनंतो निंदिना, फिल्ड विथ ग्रीनरी। हमारा का मतलब मना, अवर्स। माय विलेज, हमारा गांव। कैसा है? हरा भरा है। हमारा गांव हरा भरा है। लगता हमको प्यारा प्यारा। हमको, हमको मनकु। प्यारा का अर्थ प्रियमैना, लवली। कैसा लगता है हमको हमारा गांव? किसी को भी अपना गांव प्यारा ही लगता है, लवली, प्रियमैना। मन ऊरु मनकु एंतो प्रियंगा अनिपिस्तुंदी। नल के पास हम नहाते। नल का अर्थ है नल्ला लेदा कुलाई, टैप। पास, पास का अर्थ है दग्गरा, नियर। हम, मनम। नहाते, स्नानम चेयडम, टेक बाथ। नल के पास हम नहाते। बच्चे गांव में नल के पास क्या कर रहे? नहा रहे हैं। हम चित्र में देख सकते हैं एक लड़का नल के पास नहा रहा है। एक और इमली है खाते। एक का अर्ध चरकु, शुगर केन। इमली का अर्ध चिंतकाया, टैमरिंड। खाते, तिनडम, टू ईट। क्या करते हैं बच्चे? एक और इमली है खाते। गांव में इमली, एक जाम या कुछ आदि क्या भी मिलते हैं, बच्चे क्या करते हैं? उन्हें तोड़कर
खाते हैं। गांव के बच्चे क्या कर रहे हैं? ईख और इमली खा रहे हैं। किसान खेत में हल चलाते। किसान का अर्थ क्या है? रैतु, फार्मर। खेत का अर्थ पोलमु, फील्ड। हल का अर्थ क्या है? नागली, प्लो। चलाना, चलाना, हल को चलाना, दुन्नटम, प्लोइंग। किसान खेत में क्या कर रहा है? एक बार आप चित्र को देखें तो आपको समझ में आएगा। किसान खेत में हल चला रहा है, रैतु पोलंलो नागली दुन्नुतुन्नाडु। तरह तरह के अन्न उगाते। तरह तरह, रकरकालु, अन्न धान्यमु कदा। రైతులు రకరకాలు మొక్కలు, జొన్నలు, బియ్యము కదా, ఇలాంటి ధాన్యాలు. అన్న ఉగాతే హే, ఉగాన అంటే పండించడం, టు గ్రో. కిసాన్ ఖేత్ మే హల్ చలాతే హే ఆర్ తరా తరాకే అన్న ఉగాతే హే. రైతులు పొలంలో నాగలితో దున్ని రకరకాల ధాన్యాలను పండిస్తారు. इस पाठ में हमें पाठ के नाम के बाद कुछ अक्षर हमें परिचित किया गया है। एक बार आप अक्षरों को देखिए। क, ख, ल, स, इ, ई। ई के पास ई मात्रा, ई, ई की मात्रा, ई, ई, ई मात्रा, ई मात्रा। इन अक्षरों को फिर से आप दोहराइए। क, ख, ल, स, ई, ई मात्रा, ई, ई की मात्रा। ई मात्रा तेलुगु में हम क्या कहते हैं? गुड़ी। ई मात्रा गुड़ी दीर्घम का गुर्त पेट्टुकुंटे मनकी सुलुगा हिंदी नी चदवगलुगुतामु। इस गीत में देखिए, पांचवी लाइन में किसान, ऐदवा చూడండి కిసాన్, కిసాన్ మే క కు ఈ మాత్ర దియగయ హై, క కి ఈ మాత్ర, కి స ఆ మాత్ర, న కిసాన్ సులువుగా చదవగలుగుతాం. కా గుడిస్తే కి అని ఈ మాత్రని గుడిగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనము సులువుగా చదవగలుగుతాం. అలాగే इमली, नालगो लाइन लो इमली शब्द में ल की ई मात्रा अंटे गुड़ी दीर्घम इवगा ली आइंदी. इ म ल ई मात्रा इमली अनी सुलुवगा चदवगलम. कुंचम मनमु तेलुगुलो नेर्चुकुन्ना गुड़ी गुड़ी दीर्घान्नी మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ఈ మాత్ర అక్షరానికి ఎడమ దిక్కు ఉంటే ఈ మాత్ర, కుడి దిక్కు అయితే ఈ మాత్ర. ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే పిల్లలు మనం చదవడానికి సులువుగా ఉంటుంది. ఈ వీడియోను వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా తదుపరి వీడియోలను వీక్షించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.